जिंदा ताबूत मुसीबत का नया सबूत, आखिर कब तक जान लेता रहेगा MiG-21। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर रमेश। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे, राजस्थान के बाड़मेर में बीती रात एक MiG-21 क्रैश हो गया, जिसमें हमारे दो जवान शहीद हो गए। जी हाँ, दो पायलट शहीद हुए हैं। विमान क्रैश होने से उसमें आग लग गई और दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हादसे पर दुख जताया है। एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के भी आदेश दिए हैं, लेकिन सवाल ये है कि उड़ता ताबूत कहे जाने वाला MiG-21 कब तक उड़ान भरता रहेगा और कब तक देश के होनहार युवा पायलट ऐसे ही शहीद होते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ा हादसा टला है। वायुसेना का प्लेन MiG-21 बाड़मेर के भीमड़ा गांव के पास गुरुवार रात 9:10 पर क्रैश हो गया। हादसा इतना भयानक था कि विमान के परखच्चे उड़ गए और उसका मलबा करीब आधे किलोमीटर तक बिखर गया। हादसे का शिकार MiG-21 एयरक्राफ्ट का ट्रेनिंग विमान था। इलाके के लोगों के मुताबिक हादसे से पहले MiG-21 भीमड़ा गांव के आसपास उड़ान भर रहा था, इसी दौरान उसमें आग लग गई। दोनों पायलट ने अपनी जान की परवाह किए बिना आग लगने के बाद अपनी वीरता का परिचय दिया और विमान को सुनसान इलाके की ओर मोड़ दिया, जिसकी वजह से आबादी वाला इलाका इसकी चपेट में आने से बच गया। दोस्तों बता दें कि शहीद हुए एक शहीद का नाम जो कि सामने आया है, जिसका नाम आदित्य बाल बताया जा रहा है और वह है जम्मू कश्मीर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और 26 साल के शहीद को हम पूरा देश और हम सब आज नमन करते हैं। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम लिखें और शहीद के लिए श्रद्धांजलि जरूर लिखें। धन्यवाद।